तो ये खिड़कल होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं वड़ा पाव के साथ खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सीक्रेट चटनी की रेसिपी। जी हाँ, सीक्रेट इसीलिए क्योंकि इसकी एक्चुअल रेसिपी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा तो आपके वड़ा पाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इजी और डिफरेंट रेसिपीज के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वड़ा पाव की चटनी बनाने के लिए हमने दिया है वड़ा पाव का बैटर। ये बैटर जो वड़ा पाव बनाने के बाद में बेसन का घोल बच जाता है वो है। इसे बनाने की विधि हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, इसका लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। इसके अलावा हमने लिया है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, इन्हें हमने छील लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करने रखेंगे। तेल हमारा काफ़ी अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें अभी अभी हमने वड़े तले हैं। अब हम इसमें वड़ा पाव का जो बैटर है उसे एक बार चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा हम इसमें ये बैटर डालते जाएंगे। बैटर अच्छे से गरम होना चाहिए और इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर इसमें डाल रहे हैं और इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। लगभग 5 से 6 चम्मच बैटर हमने इसमें डाला है और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हमने इसे दोनों तरफ से कर लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें इसे डालेंगे। इसी में हम ये लहसुन की कलियाँ डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, वड़ा पाव के साथ खाने वाली चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार है, इसे आप वड़ा पाव के साथ खाइए। ये वड़ा पाव के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगी, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।